4 years now. संडे को, संडे लास्ट संडे को अचानक सीने में दर्द की शिकायत आई, तो हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में शाम को आए इमरजेंसी में, तो वहाँ पता चला कि हार्ट में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साकेत जी हैं, वो मैंने हार्ट में इंस्टेंट कार्डियो जो है सो स्टेंट लगा है, फिर हमको इमरजेंसी भेज दिया गया आई सी यू तक। आई सी यू में कुछ दिन रखने के बाद में आज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, कल ही से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए कि यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है हाँ, और विशेष रूप से नर्सिंग बहुत अच्छा हाँ, और जितने भी मैंने बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर्स भी हैं, ये भी हैं जो ड्यूटी डॉक्टर थे, बहुत मैंने आत्मीयता से बातचीत करते हैं, और लगता है कि घर का इंतजार। मैं डॉक्टर साकेत कुमार, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे। एक पेशेंट जो 74 ईयर के बाबा थे, विष्णु चंद्र उड़ाम आए थे, इनको काफ़ी चेस्ट पेन हो रहा था 7-8 घंटे से। हम लोगों ने इमीडिएटली इनका एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन, एलएडी का लॉन्ग सेगमेंट, प्रोक्सिमल टू मिड एलएडी, एलोमिक डायगोनल बाइफरकेशन इनका रीजन था। काफ़ी हाई रिस्क इनका एंजियोप्लास्टी था। पेशेंट लोगों ने हम लोग की टीम के ऊपर भरोसा दिखाया, हम लोगों ने उस प्रोसीजर को 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट किया। इन रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स भी काफ़ी चैलेंजिंग था, बट इनका धीरे धीरे 4 से 5 दिनों में हम लोग धीरे धीरे बीपी का जो मेडिसिन होता है उसको धीरे धीरे हम लोग टेपर कर पाए। मेरा नाम गरिमा उराम, ये मेरे फादर हैं विष्णु चंद्र उराम। इनको लास्ट संडे हल्का सा चेस्ट पेन हुआ और फिर हम लोग आए और मेरे से डॉक्टर अविनाश इमरजेंसी मिले, उन्होंने चेकअप किया, बताया कि कुछ प्रॉब्लम है। एंड मंडे को एंजियोग्राफी के बाद ही डॉक्टर साकेत उनका इलाज कराया, वो काफ़ी अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है। एंड यहाँ के स्टाफ, नर्सिंग, आप मैनेजमेंट बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, जितना कुछ होना चाहिए हॉस्पिटल्स में सब बेस्ट है। मैं पहले भी एडमिट हो चुकी हूँ डेंगू के वक्त, मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर एस एन के द्वारा, तो उनके मेरे टाइम में तो मैं खुश थी कि हाँ कि ये हॉस्पिटल तो वाकई मतलब मानना पड़ेगा। मम्मी के वक्त भी मम्मी अधिकतर हॉस्पिटल में कंफर्टेबल नहीं होती है, यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल भी। और अभी पापा, तो पापा के साइड से भी सारे नर्सिंग, चाहे वो 10th floor 9th floor हो, कोई भी फ्लोर हो, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, हर लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, तो अच्छा है।